वालेकुम सो वी आर डिस्कसिंग सब्जेक्ट टुडे चूजिंग दी राइट कैरियर एंड हाउ डू यू डू दैट हाउ डू सेलेक्ट राइट कैरियर फॉर योर फ्यूचर दैट्स दैट सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग टुडे देखिए वी हैव कलेक्टेड सम इंफॉर्मेशन फॉर यू जस्ट वॉच इन द स्क्रीन हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब अच्छा करियर चुनने में कठिनाइयां सामने आती है ऐसे समय में हम अक्सर दो राहे पर खड़े होते हैं हमारे सामने सवाल किसी एक राह को चुनने का होता है कुछ लोग ठान लेते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है उनकी मंजिल क्या है ऐसे लोग उसी राह को अपनाते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत राह चुनकर मंजिल से भटक जाते हैं ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी जिंदगी किस ओर ले जाना चाहते हैं। आज के विषय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सफल होने के लिए सही रास्ता चुनना कितना जरूरी है और कैसे हम इससे अपने करियर को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं आप में से कितने लोगों ने डिसाइड किया है कि व्हाट यू Of course, to be an engineer is the career that I have chosen for myself. You have chosen to be an engineer? Yes, of course. Very good. पहले मैं बात बोलती हूँ कि जो हमें मतलब राइट होगा पाथ या कैरियर हमें चु, ये चूज करना होगा राइट हम कर रहे हैं कि रॉन्ग कर रहे हैं ये कभी नहीं, जाना चाहिए नहीं जानना, चाहिए। जानना चाहिए कि हमें कज़न क्या बोलेंगे हमें रिलेटिव्स क्या बोलेंगे उस पर नहीं जानना चाहिए बल्कि जानना चाहिए कि हम के हमारे अंदर में क्या है जो हमारे अंदर में डिजायर होगी वो करना चाहिए बड़ा अच्छा जवाब दिया एक बार फिर टालिया उनके लिए so, टाइम्स एज़ यू हैट आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर शी सेट दैट शी विल परस्यू हर पैशन जो दिल में आएगा वो करेंगे लेकिन आज के समय में आज के दिनों में जहाँ पर सैकड़ों ऑप्शन अवेलेबल हों आपके सामने हज़ारों ऑप्शन अवेलेबल हों आपके सामने तो उसको चूज़ करने में कभी कन्फ्यूजन होता है कि नहीं होता है आपको हाउ डू यू रिमूव दैट कन्फ्यूजन और और भी और चीज़ें देखिए जैसे आपने कहा कि मैं इंजीनियर बनना बनना चाहती हूँ मैंने वो कैरियर पास चुन लिया लेकिन ऐसे भी किस्से मेरे पास आते हैं जहाँ पे 10 से 15 साल 20 साल तक इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट इंजीनियरिंग करता रहा काम करता रहा 20 साल बाद उसको पता लगा कि उसका पैशन तो कुछ और ही था पेंटिंग करना उसका पैशन था फोटोग्राफी करना उसका पैशन था इंजीनियरिंग में मजा ही नहीं आ रहा था 20 साल से आज के रोज पूरे हिंदुस्तान में पूरे इंडिया में 60 परसेंट जो नो, लोग नौकरी करने वाले हैं 60 परसेंट पीपल आर अनहैप्पी दे आर अनहैप्पी बिकॉज वट वट द जॉब दे आर डूइंग दे आर अनहैप्पी विद कंप्लीटली एंड उसमें से 80% परसेंट ऑफ दो 60% परसेंट पीपल आर दी लोअर जॉब जूनियर स्टाफ 60% परसेंट इज मिडल स्टाफ 40% परसेंट इज इवन सीनियर लेवल पीपल ये क्यों होता है ये आज का एक विषय हमें इसके ऊपर बातचीत करनी है हमारा जो ह्यूमन माइंडसेट है ह्यूमन माइंडसेट दो तरह से काम करता है एक होता है प्रमोशन जो अपने आप को प्रमोट करना चाहता है दूसरा है प्रोटेक्शन आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट वट आई हैव तो अब ये भी एक चीज़ है कि आप आपका माइंड कौन सा है आर यू इन अ वे इन एज अ नेचर यू आर ए प्रमोशन पर्सन और यू आर ए प्रोटेक्शनिस्ट मैं आपको दो तीन बातें बताऊँ उससे कि प्रोटेक्शनिस्ट क्या होता है और प्रोफे आ, जो प्रमोटर होता है वो क्या होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है उसको आप अगर देखेंगे समझेंगे तो हमें पता लगेगा लेकिन उससे पहले मैं एक कोट बताता हूं आपको एक ऐसे आदमी ने जिसको उसका पहनावा तो अलग था लेकिन उस आदमी ने हिंदुस्तान के पूरे यूथ को एक बहुत बड़ी दिशा दी और हमें मैं जब स्टडी करता हूं तो पता नहीं लगता कि ये बात कैरियर चूज करने के लिए स्वामी विवेकानंद कैसे कह सकते थे उन्होंने कहा टेक अप वन आइडिया अप वन आइडिया मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ थिंक इट ड्रिंक इट ड्रीम इट लिव इट लेट योर ब्रेन योर मसल्स योर नर्व्स एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फिल्ड विद डैट वन आइडिया ल लोन दैट दी श्योर शॉर्ट वे टू सक्सेस दैट्स वॉट इज सो कई बार ऐसा उल्टा हमारे साथ क्या होता है कि हम एक आइडिया से काम शुरू करते हैं उसके बाद अपना दिमाग फिर घूमने लगता है कहीं ना कहीं और वो कहने लगता है कि चलो ये नहीं मैं ये ट्राई करके देखता हूँ ये ट्राई करके देखती हूँ कुछ ना कुछ दिमाग आगे पीछे जाता है और उसमें कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है आपको इज समबड़ी देयर इन यू इज कन्फ्यूज दैट वट कैरियर पाथ शुड आई चूज सर हम आपने कहा कि हम इस वक्त जो पॉपुलेशन सेवेंटी परसेंट है वो यहाँ की जॉब्स में जा रही है वो अनहैप्पी है लेकिन हमारे पास उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारी नीड्स बहुत बढ़ रही है यहाँ से यहाँ से हम अगर अपना पैशन करते तो पेरेंट्स बोलते हैं फैमिली को देखो पहले जब हम अपने पैशन देखते तो हमको अपना पैशन साइड में रखना पड़ता है फिर हमको वो जॉब ये करना दैट्स फिर हमको पॉपुलेशन बढ़ती है सेवेंटी परसेंट के मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने पैशन को अपने प्यार को जिस चीज़ से आप प्यार करते हो जो काम आप करना चाहते हो उससे अगर आप नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स के कहने से किसी और के कहने से पीयर प्रेशर से अगर आप दूसरा कोई रास्ता चुनेंगे यू विल बी अनहैप्पी एंड एज ए अनहैप्पी पर्सन यू कैनोट मेक द फैमिली हैप्पी यू कैनॉट मेक एनीबडी हैप्पी अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा अभी पिछले दिनों मैं कहीं पे हरियाणा में एक शो कर रहा था इसी तरह से वहाँ पे एक महिला आई मेरे पास उसको उनको मैंने बुलाया था हरियाणा के अंदर उसकी शादी चौदह साल की उम्र में कर दी गई और गांव के अंदर कर दी गई वो घूंघट खोल नहीं सकती उसका मर्द जो था वो अनपढ़ था और जहाँ पे उसके फादर ने उस शादी को डिसोन कर दिया खाने को चिंता हो रही थी उसको उसने ज़माने की परवाह न करके अपना घूंघट खोला और उसने अपने घर में कुछ पशु बांधे उनके गोबर इत्यादि से खाद बनाना शुरू कर दिया कुछ गायों का दूध बेचना शुरू कर दिया शुरू में गांव के लोगों ने बहुत उसको परेशान किया पति ने बोला कि नहीं करना तुम तुमको शर्म नहीं आती तुम काम करती हो मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी एक दिन उसने उसकी जो आमदन हो रही थी एक दिन उसकी जेब में दो हज़ार रुपये डाल दिए कि देखो ये आमदन हुई है तेरे पैसे रख उसके बाद बोला वो वो भी मेरे साथ काम करने लग गया हम खुश हैं आज मैं सब काम करती हूँ वो एक अकेली औरत आज के दिन 500 टन खाद बनाती है उन्हीं गोबर की उससे और हर साल का वो 50 लाख रुपए की आमदन अपने परिवार के लिए करके देती है तो पेरेंट्स को समझाना तो पड़ेगा आपको अगर आप आप प्रोग्रेसिव हैं आप काम करेंगे आगे बढ़ेंगे उनको भी फिर खुशी होगी वो भी आपकी बात को मानेंगे पर यह समस्या है जो आपने कहा यह समस्या हिंदुस्तान के 50 परसेंट परिवारों में है क्योंकि बचपन से जब बच्चा घुटने पर बल चलने लगता है तब से माँ बाप उसको रोकने लगते हैं पानी के पास मत चले जाना आग के पास मत चले जाना खिड़की के पास मत जाना गिर जाओगे तो जब तक वो बच्चा दस बारह साल का पंद्रह साल का होता है जब उसको रिस्क लेने की सारी जितनी ताकतें हैं वो खत्म कर दी जाती वो फिर बच्चा रिस्क ले ही नहीं सकता मैंने वहाँ देखा यूरोप में कॉन्ट्रेरी ऐसा होता है कि एक साल का बच्चा होता है उसको माँ उठा करके स्विमिंग पूल में फेंक देती है तैर अपने आप एक साल के बच्चे को फेंक देते हैं वो क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट है अगर वो पानी के नीचे जाएगा अपने आप बच्चा हाथ मारने लगता है हाथ मारने लगता है एक हफ्ते में तो वो स्विमिंग सीख जाता है so सो ये समस्या है हमारे मैं भी एक पेरेंट हूँ मैंने भी शायद अपने बच्चों के साथ ऐसा किया है कि नहीं नहीं तुम ये नहीं करो वो करो हम अपनी जो चीज़ है वो लादते हैं अपने बच्चों के ऊपर ये दिक्कत है लेकिन आपको उनको प्यार से समझाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको ये सब करने के बीस साल पहले जो मैंने जिंदगी देखी वो अलग थी वो मैं चल फिर सकता था मैं कॉलेज में था और बीस साल के बाद आ, कुछ और ही पलट ली जिंदगी ने एक गोली लगी आज हमारे बीच में ऐसे गेस्ट भी एक आज हमने बुलाए हैं यहाँ जिन्होंने जिंदगी में इसी तरह की मुसीबतों का सामना किया और आगे बढ़े और लोगों को राह दिखाई ये हैं हमारे बीच में जावेद अहमद टाक वेलकम सर वेलकम देखिए टाक साहब की कहानी हमने कुछ तो रिकॉर्ड की है और फिर इनसे बात करेंगे मनुष्य जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो यह विचार है जावेद टाक का साल उन्नीस में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में जावेद टाक को गोली लगी थी इस एक घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से आप चल नहीं सकते थे मुश्किल हालात में भी आपने हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने की बारीकियां सीखने के बाद आप चार साल तक बच्चों को ट्यूशन देते रहे और 2004 में आपने इन बच्चों के लिए जेबा आपा नाम से स्कूल की नींव रखी मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने घर में इधर उधर सुनता हूँ तो मुझे बच्चों का शोर नजर आता है सुनाई देता है तो ये बच्चे ऐसे ही घूमते फिरते हैं तो क्यों ना आप अपने पड़ोस में देखोगे कि कौन से बच्चे घरों में ही है जो स्कूल नहीं जाते हैं मैं इनको पढ़ाने का काम करूंगा जावेद कहते हैं कि बच्चे डिसेबल्ड नहीं होते बल्कि वो टीचर डिसेबल्ड होते हैं जो उन्हें पढ़ा नहीं पाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जावेद टाक के इस विचार को सराहा है साथ ही उन्हें समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बताया है आज आपके स्कूल में करीब सत्तासी स्पेशल बच्चे शिक्षा ले रहे हैं आपने अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित कर दिखाया कि इंसान हर उस सपने को पूरा कर सकता है जिसे वो पूरा करना चाहता है इन्होंने ये डिसेबल्ड बच्चे नहीं कहते हैं इनके जिनको पढ़ाते हैं डिफरेंटली एबल्ड ये कहते हैं उनको बताइए क्या खूबसूरत बात कही है। क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को और ख़ास करके आपने अभी सुना उस बच्ची ने कहा कि जो वो करना चाहते हैं उनको उनका परिवार उनके आसपास के लोग नहीं करने देना चाहते मैं तो यही कहूँगा कि मैंने इस दुनिया में 40 साल गुजारे शायद 20 साल पहले मेरा सब मेरी बुक खत्म हो चुकी होती उसका पन्ना बिल्कुल ख़त्म हुआ होता आज मुझे कोई जानता भी नहीं लेकिन 20 साल पहले जो मैंने ज़िंदगी देखी वो अलग थी वो मैं चल फिर सकता था मैं कॉलेज में था और 20 साल के बाद कुछ और ही पलट ली ज़िंदगी ने एक गोली लगी जिसकी वजह से मेरे वाइटल आर्गन्स जैसे किडनी स्प्लिन, लिवर इंटेस्टाइनल टीयर बहुत कुछ हुआ राइट किडनी चली गई स्प्लिन चला गया तब मुझे यही कहा गया था कि मे बी टू मंथ्स थ्री मंथ्स और मैं सुन रहा था डॉक्टर्स को मैं बी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था लास्ट फेज़ था मेरा तो आ, मुझे ये लगा था कि बस जिंदगी इतनी थी बीस साल की थी ख़त्म हो गई अफसोस तो इस बात का है कि जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर पाया तब आपको हिम्मत कैसे आई जावेद साहब वो मुझे भी पता नहीं वो मुझे नहीं। <laughs> लेकिन एक बात एक बात ज़रूरी है कि जो मुझे हिम्मत अगर आई तो वो सिर्फ दो चीज़ों से एक जब मैंने देखा कि मैं लास्ट बंदा हूँ अपने घर में मैं सबसे यंगेस्ट हूँ तो मुझे सब प्यार करते थे तो घर में पूरी uh, मतलब सैडनेस uh, छाई रहती थी हर कोई परेशान था दूसरा ये हुआ कि uh, मेरे आस पड़ोस में बच्चे खेल रहे थे दिन भर संडे होती थी मंडे होती थी तो मैं मुझे uh, ये आशंका जगी कि क्यों न मैं इनके साथ अपनी नई लाइफ यानी कि इनको मैं कुछ पढ़ाऊँ कि ये क्यों ऐसे ही खेल रहे हैं दिन भर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं लेट मी स्टार्ट विद दम तो मैंने उन्हीं बच्चों के साथ पहले पढ़ाई कि मैंने उनको फ्री ट्यूशन्स दिए अपने आस पड़ोस के बच्चों को करीबन मैंने वन थाउजेंड बच्चों को पढ़ाया दो तीन साल तक आ, तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी हौसला दिया एक राह दिखाई तो जो आ, मैंने आ, वो बुक बैंक जैसा बनाया तो बच्चों के साथ मिलके आप भी बच्चे जैसे बने बिल्कुल मैंने अपने आप को बिल्कुल बच्चों के साथ बना लिया अपने आप को और ये उनकी राज है फ़र्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आर वैली बिकॉज ऐसा अक्सर होता नहीं है कि हमारी वैली में ऐसे शोज़ हो एंड वी आर रियली प्रिस्ड फॉर देट सर मेरा क्वेश्चन जावेद साहब से ये चीज़ है सर हमने देखा कि आप इतना कुछ कर रहे हैं फॉर दि इज़ डिफरेंटली एबल्ड सबसे पहली बात तो कि विकलांगजन को दिव्यांगजन बनने में भी काफ़ी वक्त लगा है हमारे सोसाइटी uh, में उनको आइडेंटिफाई करना एक चीज़ है उनको परसुएट करना कि वो आके कुछ सीखे वो आपके लिए कितना मुश्किल होगा बिकॉज़ हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा इनको पार्शलाइज़ किया जाता है जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं आपके लिए वो कितना मुश्किल था उन्हें पर्सुएट करना कि वो आगे कुछ करें या आप उन्हें ट्यूशन ऐसे प्रोवाइड करें जब uh, मैंने ये स्कूल uh, स्टार्ट किया तो सबसे मैंने पहले जो थे जो बच्चे थे वो ब्लाइंड बच्चियाँ थी टू uh, थाउजेंड में वो मेरे पास आई तो आज मैं खुश हूँ कि वही मेरा रिज़ल्ट है क्योंकि एक बच्ची इस वक्त टेंथ एज ए रेगुलर कैंडिडेट देने को है शी इज़ गोइंग टू अपेयर इन क्लास टेंथ और दूसरी जो है वो क्लास एलेवेंथ का एग्ज़ाम देने वाली है तो मेरे पास आइडिया नहीं था हाउ टू स्टार्ट क्योंकि मैं तो खुद ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी का शिकार था उनकी ब्लाइंडनेस थी तो मेरी चाहत इतनी बढ़ गई कि Uh, कुछ ना कुछ ऐसा हो कि मुझे भी पता चले तो मैंने इंटरनेट खोजना स्टार्ट किया लोगों से बात करनी स्टार्ट की तो मुझे एक लड़का मिला जिसने uh, एक कोर्स uh, किया था ब्रेल में और उसी ने बताया कि आपने हम, ब्रेल सीखा खुद अपने हाँ, आप। मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया देखिए देखिए जहाँ चाह है वहाँ पे राह मिल ही जाती सर माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप लाइफ में सर इतना आगे आए हैं व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योरसेल्फ बेस्ड अपॉन कि आप लाइफ में इस टाइम कहाँ पे हैं और आगे कहाँ जाना चाहते हैं हमारे लिए भी और अपने लिए भी लाइफ में तो मैं अभी लगता है मुझे कि बहुत पीछे हूँ जो मेरे ड्रीम्स हैं वो बहुत ज्यादा है आई वॉन्ट सी जो अब मेरी मेरा जो पैशन बन गया है दैट इज आई वॉन्ट टू सी एवरी पर्सन पर्सन विद ए पर्सन विद इंडिपेंडेंट लिविंग इन बोथ कम्युनिटी एज वेल एज इन सोशल सेक्टर जहाँ पे भी पर्सन वि डिसेबिलिटी हो वो अपने आप को अपने आप से कामना ना समझे और बाक़ी जो आप लोग हैं आप इंजीनियर्स हैं यू बिल्ड द रैम्प यू क्रिएट द एक्सेसिबिलिटी, यू क्रिएट द एनवायरमेंट वायर एवरी वन इज एक्सेबल एंड वायर एवर ही वॉन्ट्स टू गो ही कैन गो ईजीली उसने आपका भी कर दिया तय और अपना भी बताया ही वॉन्ट्स टू क्रिएट ए सिचुएशन

आज पहली बार मुझे अपना घर अच्छा लगा मेरा दिल चाहता है कि आपसे आपके गले लग जाऊं सर इतना खूब 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 गले भाई। गले लगे भाई, वेलकम बैक चलिए आपके प्रश्न बताइए डॉक्टर साहब सबसे पहले सर आपका मैं खुश आमदीद करता हूं आपके लिए एक शेर आपकी नजर तुम हुए मेहमान तो रंगे बामोदर अच्छा लगा आज पहली बार मुझे अपना घर अच्छा लगा शुक्रिया शुक्रिया बहुत अच्छे बहुत अच्छे मैं सर चाहता हूं कि मैं बहुत दूर से आया हूं आपके शो के लिए मुझे सर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस वक्त आपके सामने हूं मेरा दिल चाहता है कि आपसे आपके गले लग जाऊं सर इतना खूब खूब गले लगे भाई खूब गले लगे सर जैसे कि कश्मीर में बहुत टैलेंट है ये मैं जानता हूँ मैं एक गांव से हूँ लेकिन हमें सही वो राह जो है ना कि एक अच्छा कैरियर चुनने के लिए कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता जैसे हमें वो यानी गाइड करने वाले नहीं मिलते हैं वक्त पे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसके साथ साथ जिस तरह आपने यहाँ पे शो किया मैंने आपके लिए शेयर कहा मैं चाहता हूँ कि आइंदा से भी आप ये दिमाग में रखें कि कश्मीर में टैलेंट है और आप चाहते हैं कि उनको आगे आप उनके टैलेंट को समझ बहुत अच्छा आपने इन्होंने मेरे को बड़ा बहुत इज्जत बख्शी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो आपके सवाल का जवाब दू मुझे पता है कश्मीर में बहुत टैलेंट है और मेरे जो चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर रहे वो कश्मीर से थे जब तक वो डेथ रही उनकी उनको डेथ हुई वो तीस साल तक मेरे साथ चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर के रूप में रहे हैं और इसीलिए आज यहाँ मुझे आने का मौका मिला और मैं आपका शुक्रगुजार गुजार हूँ कि आप यहाँ आए हो। स्वामी विवेकानंदा दैट एंड So that direction of Swami Vivekananda' definition of career was, I think, the unidirectional. If you want to do something in life, just follow it. But I think, sir, uh, the career or the passion is uh, where the life takes you. Do you think that Swami Vivekananda's definition of unidirectional uh, choosing the passion or choosing the career in your life is right? I that the आपको सुकून मिलता हो जिस काम को करने में आपको मज़ा आता हो जिस काम को करने में आपको ये लगता हो कि ये काम नहीं है काम काम ना लगे उस काम को करिए मुझसे कई बार लोग कहते हैं मेरे साथी भी कहते हैं कि क्या बात आप थकते नहीं हो अरे मैंने कहा थकेंगे किस बात से यार नहीं नहीं थोड़ा आराम करिए मैं क्या मुझे काम करने में आराम मिलता है तो तो ये ये इसलिए है कि मैं जिस काम को करता हूँ उसको पसंद करता हूँ वही काम करता हूँ नहीं तो नहीं करता मुझे शुरू में जब ये शुरुआत की तो मेरे फादर ने ये कहा कि तुम अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा बांटते हो पैसा भी बांटते हो अच्छे कामों में लगाते हो कुछ करते हो तो अपना तजुर्बा क्यों नहीं बांटते तुम अब उसको सोच के उन्होंने जब कहा तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया आज इस एक्सपेरिमेंट में मुझे भी सीखने को मिल रहा है और लोगों को भी फायदा हो रहा है तो मुझे मजा आ रहा है तो क्यों नहीं करूंगा ऐसे लोगों से मिलने का मिलना होता है मेरी भी हिम्मत और बढ़ जाती है कभी अगर मुझे किसी काम में नाकामयाबी मिलेगी तो किसी दिन जावेद साहब को याद कर लूंगा तो किसी दिन उस महिला को याद कर लूंगा बिल्कुल वापिस फिर खड़ा हो जाऊंगा सर कश्मीर में हमारे में टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है अगर बाहर है यहाँ क्यों नहीं है का एक हैं। फिर और हमें हमेशा यही बात रहती है कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है कुआ तो प्यासे के पास नहीं आएगा प्लेट <laughs> <प्यासे laughs> <प्यासे है। प्यासे laughs> <प्यासे laughs> फार्म इज देयर लेकिन आपको कुपवारा से कभी श्रीनगर भी आना पड़ेगा कभी यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा इसी तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी मतलब यू हैव टू बी द क्वेस्ट पर्सन आपको क्वेस्ट रखनी है आपको एक ऐसे थर्स रखनी है जो जिससे आपको मंजिलू तक जाना पड़ेगा और आप ही को अगर है नहीं तो आप ही स्टार्ट करो बहुत बहुत so, शुक्रिया जावेद साहब आई हैव रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ दिस बोलिए जितने भी यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स है प्लीज क्रिएट द एक्सेबिलिटी फॉर द पर्सन विद डिबिल और जो यहाँ पे कॉलेज है तो यू शुड सेंसिटाइज द इंजीनियर्स दैट क्रिएट द इंक्लूजन अगर यहाँ पे आपने ये छोटा सा आ, ये वुडन प्लैंक्स का रैंप नहीं बनाया होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता कभी कभी बिल्डिंग्स में आने के लिए ह्यूमिलेशन हो जाती है हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर्स है डिसेबिलिटी एक्ट भी आ, वेरी एक्टिव है तो आप प्लीज़ इसको हमें इनकलूड करने के लिए आप हर जगह सेंसिटाइजेशन क्रिएट करो रैंप्स बनाओ लिफ्ट सजेस्ट करो अगर आपके पास कोई प्राइवेट एजेंसी आती है एज ए इंजीनियर की मुझे ये करना है, ये बिल्डिंग बनानी है तो नथिंग विदाउट डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर तो देखिए इसमें देश में कानून भी है कोई पब्लिक बिल्डिंग विदाउट फ्रेंडली टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल नहीं बन सकती पास ही नहीं हो सकती और आपकी बात का और जवाब दूंगा। मैं आज ऐसे ही जब सुबह से आया तो पूछ रहा था क्योंकि मैं भी एक जिज्ञासु हूं, क्वेश्चन पूछता रहता हूं, और आपको भी कहूंगा, बच्चे की तरह से सवाल पूछिए जैसे बच्चे में जिज्ञासा होती है ना जानने की मुझे यहाँ पता लगा आके कि मुझे लगता है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी या जो भी कोई है उन्होंने कश्मीरियों के हाथ बांधे हुए हैं। यहाँ पे मुझे इस कॉलेज का तो नहीं पता लेकिन मुझे किसी और ने बताया कि कॉलेज की फ़ीस भी सरकार तय करती है यहाँ कहीं भी दूसरे किसी और दूसरे सूबे में ऐसा नहीं है एडमिशन भी सरकार ही करती है उनको कुछ आगे बढ़ने की परमिशन भी नहीं देती है आपके साथ पता नहीं ऐसा है कि नहीं इस कॉलेज के साथ लेकिन बड़ी मुसीबत है ये तो उन्होंने ही आपके हाथ बांध रखे नहीं तो आपकी आपके अंदर काबिलियत है कहीं के कहीं पहुंच सकते हो क्या दिक्कत क्या है आपको कोई दिक्कत नहीं तो ये चीज है मटेरियल और सिलेबस वी आर टीचिंग बट स्टिल काश मैं इस बात का जवाब दे पाता अगर मैं सरकार में होता तो जरूर देता मैं सरकार में होता तो ये होने ही नहीं देता जो आपका क्वेश्चन पैदा हुआ वो सवाल ही नहीं उठता था जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है वो जरूरी नहीं कि आपको भी मोटिवेट करे हर इंसान की मोटिवेशन अपने अपने अलग अलग होती है और अपना अपना वो टैलेंट भी अलग होता है मैंने एक खुद किताब लिखी थी दस साल पहले पतली सी किताब है कि कैसे कामयाब होना चाहिए आपके अंदर तीन तरह के टैलेंट मैंने लिखा होते हैं एक तो स्ट्राइविंग टैलेंट किसी भी चीज़ को करने की लालसा जैसे जावेद साहब में आपने देखा थिंकिंग टैलेंट आप सोचते हैं समझते हैं आप उस पर मनन करते हैं कुछ विचार करते हैं वैसे टैलेंट होते हैं तीसरा रिलेटिंग टैलेंट तो ये क्या है स्ट्राइविंग टैलेंट इज वाई ऑफ ए पर्सन थिंकिंग टैलेंट इज हाउ ऑफ ए पर्सन हाउ इज दिस पर्सन हाउ द पर्सन थिंक्स दैट्स हाउ द पर्सन इज एंड रिलेटिंग टैलेंट इज हु ऑफ द पर्सन सो वैन यू नो वाई

तो इसमें से आप देख सकते हैं कि आप आप कौन सी थिंकिंग के आदमी हो उसमें आपको समझ में आएगी और हमारे साथ एक और मेहमान है जिनको मैं मिलाना चाहता हूँ जफार अली साहब जफार अली साहब इज हेड ऑफ कैरियर पार्क ही इज़ ए एमिनेंट कैरियर कंसल्टेंट ऑफ कश्मीर वैली ही हेल्प्स द स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर टू फिलफिल देयर कैरियर एस्परेशर एकेडमिक एजुकेशन एज वेल ट्वेंटी फोर बाई सेवन काउंसिलिंग करते हैं आप कैरियर काउंसलिंग चलिए आप बताइए अपने आप क्या कहना चाहेंगे असलाकुम <laughs> ये जो कैरियर है ये हमने स्टार्ट किया है दो हज़ार सात से जैसे मुनजर ने बोला कि यहाँ कश्मीर में चूज़ करने में हर जगह हमें वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं सेम ऐसा ही मुझे हुआ था 2004 में जब मम्मी ने बोला कि जाफ़र आप भी डॉक्टर बनो लेकिन जब यहाँ से हम निकले बहुत कुछ यहाँ डिस्कस करने के लिए हैं लेकिन जो ये कैरियर आफ्टर टेन प्लस टू टेन प्लस टू तक हमारे कश्मीर में जहाँ तक हमने अदर स्टेट्स देखे हैं बिल्कुल हमारा कश्मीर परफेक्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद हमें नज़र नहीं आता है कि भाई जाना कहाँ है हमें पड़ोस में डॉक्टर हैं अंकल बोलते हैं कि नहीं जी आपको भी डॉक्टर बनना है इंजीनियर साहब हैं रोड समेत हम देख रहे हैं रोड कैसे बन रहे हैं आपके सवाल क्या सर ने अभी बोला हम काउंसलिंग करते हैं मतलब आप किन टाइप किस टाइप की काउंसलिंग करते हो अगर बंदा यहाँ से ही बोलेगा कि मुझे एम बी ए डॉक्टर बनना है मुझे इंजीनियर बनना है तो आप किस काउंसलिंग रहा अदर काउंसलिंग उन बच्चों के लिए होनी चाहिए जिनको अपने करियर के बारे में कुछ पता ही ना हो जो तय नहीं कर पाए उनके लिए काउंसलिंग कर इस चीज़ का ये मैं आपको बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं होता है कि कोई कोर्स करने के लिए काउंसलिंग मेरे पास आ जाएगा कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं उर्दू के लिए जाऊँगा मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी आप पढ़ोगे वो आप बिल्कुल उसमें मास्टर बनिए मैंने जैसे आपके बताया अपना टैलेंट पहचानिए टैलेंट आपका कैसे पहचानेंगे आप जिस काम को करने के लिए आपका मन बार बार करे अपना बचपन को देख लीजिए बचपन में आपको कई बच्चे मिलेंगे जो हर बार किसी न किसी चीज़ की तोड़ के मरोड़ के उसको रिपेयर करने में बैठे लगे होते हैं खिलौने को ही तोड़ेंगे उसके बाद फिर बना लेंगे उसको तो ये समझो कि वो टेक्निकल चीज़ में दिमाग ज़्यादा लगता है उसका पेंटिंग करने का शौक़ है पेंटिंग करिए आजकल हर कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोई चीज़ अगर आपके कल्चर के ख़िलाफ़ हो मत करिए मैं नहीं कहता कि उसको करिए लेकिन जो चीज़ उस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं जिंदगी में अगर आप देखें अपने अपने खुद को पहचान के उसके मुताबिक अपना काम करिए जैसे पहले हमने जब शुरू किया था प्रोग्राम जो आप कहते हो कि हमारे को पेरेंट्स जो प्रेशराइज़ करते हैं पीयर प्रेशर भी होता है मैंने बहुत बार कई बार मैंने कॉलेज में जाता हूँ तो भाई तुम यहाँ क्यों आए एम करने क्यों आए कि साहब मैंने इसलिए आगे क्यों मेरा दोस्त भी यहाँ आ रहा था इस कॉलेज में पढ़ने के लिए उसको ख़ुद को नहीं पता है कि क्यों वो वहाँ पे आया तो जो भेड़ चाल जो होती है ना वो मत करिए जैसे आपने कहा कि कश्मीर में आदमी जो या तो डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है उसके अलावा भी बहुत सी चीजें जिंदगी में चलिए आप इस शो पे आए हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिर इनशा फिर मिलेंगे सो माई क्वेश्चन टू यू इज सर शुड आई रेप्लीकेट शुड आई लुक टू रेप्लीकेट समल्थ सक्सेस एज देट और शुड आई फोर्थ माई ओन पाथ यू शुड चूज योर ओन पाथ आपका नाम क्या है मुदसर मुदसर नाम है आपका मुदसर को मुदसर ही बनाइए उसको आगे बढ़ाइए प्लीज सी टू आवर एगोनी एज वेल द प्रॉब्लम इज वी नो एट टाइम्स द मटीरियल और द सिलेबस वी आर टीचिंग अवर स्टूडेंट्स दैट दैट सिलेबस इज नॉट गोइंग टू हेल्प दैन बट स्टिल वी वी आर आर इंडल्ज फोर्स टू टीच देम दैट सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड मैं हमेशा पाठ पढ़ा रहा होता हूँ। कम अप फॉलो योर पैशन फॉलो योर पैशन लेकिन एट द एग्जामिनेशन टाइम इट्स टेस्ट ऑफ मेमोरी नॉट इंटेलिजेंस काश मैं इस बात का जवाब दे पाता अगर मैं सरकार में होता तो ज़रूर देता मैं सरकार में होता तो ये होने ही नहीं देता जो आपका क्वेश्चन पैदा हुआ वो सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि जो जो एजुकेशन सिस्टम हमने बांध के रखा हुआ है ना अपना जो उसके ऊपर कंट्रोल रखा गया है ये गलत है ये कंट्रोल कहीं भी नहीं है कहीं भी मैं तो दुनिया में घूमा हूँ इस कंट्रोल कोई भी नहीं रखता, करता लेकिन है ये सच्चाई है लेकिन मैं ये कहता हूँ आप मैं समझता हूँ कि यू आर ए टीचर फैकल्टी अगर आप स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की चीज़ सिखाना शुरू करेंगे एडिशनल मुझे लगता है कि वो लोग सीखेंगे ज़रूर सीखेंगे और अगर आप उनको एक ही चीज़ सिखा दीजिए कि लिव इन दी प्रेजेंट एंड डोंट लेट योर ब्रेन गो टू पास्ट और टू फ्यूचर मैं ये कहता हूँ कि जितना टाइम आज वो उस पढ़ाई में लगाते हैं उससे आधे टाइम में वो उतनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे और जब उस आधे टाइम में वो पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उनके पास आधा टाइम बचा हुआ है आप और भी कुछ अच्छी बातें सिखाइए जो वो सीखना चाहते हैं जो उनका पैशन है हमने माउंट लिट्रा नाम का स्कूल चलाते ही हमारा ग्रुप चलाता है जी ग्रुप चलाता है डेढ़ सौ स्कूल हैं उसमें और uh, किडजी नाम के हमारे इस समय में लगभग ढाई हज़ार स्कूल हैं प्री स्कूल के बच्चों के तो वहाँ पे जो सेलेबस है वो पढ़ाते हैं लेकिन वी टीच स्टूडेंट्स ऑल द टाइम ब्रिंग योर माइंड बैक टू प्रेजेंट जैसे आप देखिए जिस समय जिस टाइम आप अपनी पूरी चीज़ से किसी को याद करते हैं पूरी शिद्दत से अगर किसी अपने दिल्ली में रह रहे बम्बई रह रहा कोई कश्मीर में रह रहा है को, कोई अमेरिका रह रहा है उसको आप किसी वक्त बड़ा ध्यान से उसको याद करते हैं तो आप देखते तुरंत दो मिनट बाद उसी का फ़ोन आ जाता है होता है कि नहीं ऐसा कभी कभी वो तो क्यों होता है क्योंकि उस वक्त आपका कंसंट्रेशन पूरा उस आदमी के ऊपर था जिसको आप याद कर रहे थे तो कंसंट्रेशन इज द की एंड दैट विल जनरेट डायनामिक रिजल्ट आउट ऑफ सो थैंक यू वेरी मच आज का ये शो में आप लोगों ने खुल के पार्टिसिपेट किया इंशाल्लाह फिर मिलेंगे खुदा हाफिज़ जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला एस एम एस करा डी एस सी स्पेस द्या तुमचं नाव टाइप करा आणि पाठवा पाच सात पाच सात पाच वर तुम्ही ईमेलही करू शकता डी एस सी झी मीडिया एल ग्रुप डॉट कॉम वर